ये जो हमारी पांड्या स्टोर की कहानी है ना, इसमें भी लगातार आते हैं ट्विस्ट। तो इन सब घर वालों को भी चाहिए इन ट्विस्ट से एक ब्रेक। तो क्यों ना आप सब भी मिलकर कर लें एक सैटरडे वाली पार्टी, ताकि आप सबकी जिंदगी में भी आ जाए पार्टी वाली खुशियां। तो चलिए चलते हैं पांड्या स्टोर, नहीं नहीं शॉपिंग करने नहीं, जानने कहानी का अपडेट। देवर की शादी, भाभी का गुस्सा, पांड्या स्टोर का नया किस्सा, रिश्ता का ढोल तमाशा। जी हाँ, स्टाफ डेस्क सीरियल पांड्या स्टोर में आपको तो मालूम ही है कि कृष और श्वेता की शादी की तैयारियां चल रही हैं। सारा घर खुश है, लेकिन सिर्फ एक रिश्ता भाभी ही हैं जो अपने देवर यानी कि कृष और श्वेता की शादी को लेकर खुश नहीं नजर आ रही। हालांकि एक्टिंग तो खुश होने की भरपूर की जा रही है, लेकिन गुस्सा इस बेचारे ढोल पर उतारा जा रहा है। अभी घर में जो माहौल है वो कृष की शादी का है, और बहुत सारे तैयारियां की जा रही हैं घर में, और हम सब चाहते हैं कि कृष जो हमारा नया नवेला दूल्हा है वो श्वेता से शादी करे और हमारे परिवार को आगे बढ़ाए। हाँ, वही परिवार को आगे बढ़ाए, बहुत बढ़ रहा है, चार लोगों से इतना बढ़ाओगे, पॉपुलेशन बढ़ाओगे क्या पूरे इसके? हमारे को चीकू तो है, चीकू दुनिया में ऑलरेडी पॉपुलेशन हो रखी है, चीकू की बहन भी चाहिए भाई, है ना, चुटकी, चुटकी के अलावा एक बहन, तो वो आप ट्राई करके देखो में भी हो जाए। आगे 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 ना, अगला सवाल। नहीं नहीं, कैसे कैसे मेरे बारे में कैसे? हाँ, उस स्टेट में हूँ कि खुश भी हूँ खुश नहीं भी हूँ, देखता हूँ क्या बनता है। अभी तो मुझे खुद नहीं पता कृष क्या लव वाली फीलिंग होती है, न्यूट्रल वाली, कुछ भी फील नहीं है, वैसा कुछ फील है मेरा। देखिए, बेसिकली रिश्ता को लग रहा है कि जो कृष डिसीजन ले रहा है वो बहुत ही गलत डिसीजन ले रहा है, उसके वो उसके अपने श्वेता को लेके अपनी एक राय है, क्योंकि उसके सामने बहुत सारी चीज़ें आई हैं श्वेता को लेके जो कि पूरे परिवार को नहीं पता। तो रिश्ता अपनी जगह बिल्कुल सही है, उसको ऐसा लग रहा है कि कृष और पूरी फैमिली हम लोग एक गलत डिसीजन ले रहे हैं, तो वो उस भड़ास को निकाल रही है यहाँ पे ढोल बजा के। बिल्कुल सही कहा, जब रिश्ता के ढोल की धुन तमाशे में तब्दील हो गई, तब जाकर सबको पता चला कि रिश्ता इस रिश्ते के खिलाफ क्यों है, क्योंकि श्वेता की सच्चाई रिश्ता से छुपी नहीं है, और इसीलिए रिश्ता आज अपना गुस्सा ढोल पर उतार रही है। सबको लग तो रहा है कि कृष और श्वेता मेड फॉर ईच अदर हैं, लेकिन हकीकत क्या है और क्या है फसाना, यही तो जानना चाहता है सारा जमाना। अब क्यों ये मतलब क्या मतलब है अब इस ढोल बजाने का? पर बोला ना कि मैं बड़ी खुश हूँ, मैं हुआ चलो खुश हूँ, मैं भी खुश हो गया। फिर बाद में चला ढोल फटा तो पता चला कि वही अपना गुस्सा निकाल के गई है भाभी मेरी। जो डैमेज होना था हो चुका है, अगर दोबारा होगा तो मैं कहीं ना कहीं प्रिपेयर हूँ उस चीज़ के लिए, रेडी हूँ। कैसे रेडी है? मतलब रेडी इन द सेंस कि वो होता ना कि धक्का लग लग के आदमी को हो जाती है आदत कि चलो अब क्या है, एक और लग गया, ऐसा जरिया। ओके, हाँ, तो जो जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ मुझे पता है कि उसमें कुछ भी हो सकता है, तो मैं कहीं ना कहीं अपने इसमें लेके चल रहा हूँ पीछे से माइंड से कि हाँ, एक्चुअली बेसिकली कृष को पता है श्वेता के बारे में बहुत चीज़ें। हाँ, बट तो, फिर भी वो सैक्रिफाइस कर रहा है। हाँ, तो मैं माइंड में लेके चल रहा हूँ कुछ भी हो सकता है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरी तरफ से एक कोशिश है। बहुत हो गई हंसी मजाक, अब चलो सब शादी की तैयारियों में लग जाओ। अब सवाल ये उठता है कि कृष और श्वेता की शादी की तैयारियां तो चल रही हैं, लेकिन क्या इनका गठबंधन हो पाएगा या नहीं, या आगे और कौन कौन से ट्विस्ट आएंगे, या फिर रिश्ता भाभी अपने गुस्से को सबके सामने जाहिर करने का काम करेंगी और खुलेआम इस रिश्ते का विरोध करेंगी। श्वेता अपने दूसरे नंबर से कॉल कर रही होगी। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? रिश्ता, तो श्वेता और कृष की शादी की शॉपिंग के लिए चलेगी कल? हेलो कौन हेलो हेलो कौन बोल रहा है? हेलो रिश्ता, इसे मेरा नंबर कैसे मिला? क्या यार भाभी, आपको भी अब भी आना था?
पराए थे तो देख सकते थे ना कि मैं फोन पे बात कर रही हूँ। सारा काम बिगाड़ दिया। लेकिन फिलहाल आज धरा भाभी होने वाले दूल्हे राजा क्रिश की जमकर कर रही है टांग खिंचाई। लो चली, मैं फिर से गाऊंगी अपने देवर की बारात लेके। लो चल, इस बार मैं रोऊंगी नहीं यार, क्रिश तू रुलाएगा तो देख लेना, मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा। ड्रामे के बगैर हमारे घर में कोई शादी हुई है, पार्टी तक नहीं हुई है ड्रामे के बगैर हमारे घर में। हाँ यार, ये तो है, मतलब हर शादी में धरा ने कुछ ना कुछ कांड किया ही है, शादी में भी कांड कर रही है। क्या कांड कर रही हूँ मैं, देखते हैं। कौन सा कांड पसंद आपको? हाँ कंटिन्यू होंगे, दिखा दो अपनी शादी का। ये देखो कौन सा कार्ड अच्छा लग रहा है, ये ये या फिर ये। माँ ने तो ये चुना, मुझे भी ये मेरा फेवरेट आपका। अच्छा ना, मेरी तो बस एक ही राय है क्रिश को, अब तू बच्चा नहीं रहा, अब तू बड़ा हो गया है, अब तू प्लीज बिहेव लाइक वन। और मैं रियल लाइफ में भी यही हिदायत देती हूँ उसे कि अब तू बच्चा नहीं। रियल लाइफ में हाँ बहुत मैच्योर हूँ, आपको पता है। हाँ नहीं तो रियल लाइफ में कितना चुप चुप रहता हूँ मैं, ये लोग बोलते हैं हंस बेटा हंस, पर नहीं हंसता मैं। क्या रियल लाइफ में? हाँ रियल लाइफ में फुगु भाई फुगु रुसु भाई रुसु है ये पू ये बात नहीं रहा है। मेरी लाइफ की मैं नहीं मेरी लाइफ पे कोई नहीं आएगा अभी। चलो जिस बात पे बात करें, ये हमारे सेट पे फुगु भाई फुगु रुसु भाई रुसु है, ये कुछ बोलता नहीं है, इसको बुरा लग जाता है, फिर चुपचाप बैठ जाएगा कमरे में, फिर हम सब मनाने जाए क्रिश आ जाना ना, आ जाना। क्यों? वो तो आप किसी और की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हो। नहीं ये मैं नहीं हूँ, ये भी तो है इधर से। कितने में पास 50 मैसेजेस होंगे, क्रिश आ जाना प्लीज, ऐसे मत करना क्रिश, स्किप मत करना, नहीं भाभी मैं नहीं आऊंगा, नहीं भाभी मैं नहीं आऊंगा। हाँ ये रूठे पुपा है, मैं कह तो रही हूँ तेरे को, रुसु भाई रुसु फुगु भाई फुगु है ये। अरे नहीं दूसरा कट करो, दूसरा चलाओ। कुछ नहीं है अभी, मैं इस सीन में तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं खुश हूँ कि जब मैं जिस सीन में कुछ ज़्यादा गड़बड़ नहीं करती तो मैं बड़ी खुश रहती हूँ। तो इस सीन में कुछ नहीं, डांस कर रही हूँ, रिश्ता ही कर रही है सारा ड्रामा, पता नहीं क्या क्यों इतना नाराज़ है, इतना ड्रम पीट पीट के मार रही है, कहीं ना कहीं मेरी वजह होगी, और तो कोई रीज़न ही नहीं आजकल घर पर किसी और चीज़ की वजह से, किसी को गुस्सा ही नहीं आ रहा है। सो या श्वेता भी अच्छी तरह से जानती हैं कि इस घर में अगर ट्विस्ट आएगा तो सिर्फ उन्हीं की वजह से आएगा, और जिसकी शुरुआत हो भी गई है। पर कोई बात नहीं, इस तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से ट्राई करेंगे। एंड आई नो कि थी तो फोरम। अब देखना होगा कि क्रिश और श्वेता की शादी की शहनाई से पहले और कौन कौन से ट्विस्ट अपना डंका पीटते हैं। मुंबई से उमेश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।